हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पेट्स प्लैनेट विद सुशांत। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी तरह से आपके बार्स, कबूतर और अपने मछलियों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक मैंने मछलियों के लिए एक लाइव वॉर्म मंगाया था, जो ट्यूबी फिक्स वॉर्म और ग्रिंडल वॉर्म होते हैं। तो चलिए हम उनको पार्सल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कंडीशन में है सब, मतलब वो हम सारे कैसे हैं, देखते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा पार्सल है जो मैं मंगवाया था। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ट्यूबी फिक्स वार में हम ये इसके बॉक्स में देखते हैं ये सारे कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ग्रिंडल वार्म। तो चलिए हम इसको इनको खोल के देखते हैं कि किस तरह है सर सारे। फिलहाल बॉक्स तो वॉर्म्स जिंदा है कि नहीं, यहाँ फ्रेंड जिंदा है, आप देख पा रहे हैं इसमें जिंदा है सारे, काफी सारे वॉर्म्स है इसमें। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे जो हमारे जो नर्सरी पे मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो याद नहीं है, इसको बोलते हैं क्या, कोकोनट का एक चीज बोलते हैं इसको, मैंने ठीक से याद नहीं रहता, मतलब याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट, ये तो देख लिया, ये इसमें एक नेट भी है। ये क्या हुआ है कि फ्रेंड्स, ये जो वॉर्म्स वगैरह है ये सारे इसके नीचे चले गए हैं, जो कोकोनट का जो छिलका या फिर जो बोलते हैं इसको, वो इसके नीचे चले गए हैं, देख सकते हैं ये साइड में लगे हुए हैं, ये देखिए। और इसको कैसे कल्चर करते हैं मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूबी फिक्स वॉर्म को खोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा ही पानी है और बाकी सारे ये जो हमारे जो बर्तन जो मांजते हैं, जो पैड जो बर्तन जो मांजते हैं वो है, वॉर्म्स वगैरह इसमें इसके साथ चिपक गए हैं। चलिए हम खोल के देखते हैं।
से अच्छी तरह से इसको पैकिंग किया गया है। दोस्त ये सब वॉर्म्स वगैरह कोरियर में आया तो थोड़ी देर लग गया मुझको, मतलब 5 से 6 दिन लग गया इसको आने में। फिलहाल तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है वॉर्म्स वगैरह, क्योंकि ये जो पैड है इसके अंदर होंगे वॉर्म्स वगैरह, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए इस तरह से दिए गए हैं पैकिंग। फिलहाल इसको इसको भी किस तरह से हम कल्चर करते हैं, इसको किस तरह से कल्चर करते हैं, मैं आपको एक वीडियो अच्छी तरह से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो ये जो वॉर्म्स वगैरह है ये फ्रेंड्स, आप अगर गॉपी ब्रीडिंग करते हैं या फिर वेटा फिश ब्रीडिंग करते हैं या फिर कोई भी बड़ी मछली जो है उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर की और बहुत सारे प्रोटीन, वो जो जो वर्म है प्रोटीन मिलता है मछलियों को खाने से, और अच्छी तरह से ये वो वेटा और गॉपीज ब्रीडिंग भी करते हैं और ब्रीडिंग कंडीशन में भी आते हैं, इनका साइज भी ग्रोथ होता है और हेल्थ भी अच्छा रहते हैं। तो इसको कल्चर कैसे हम करते हैं, किस तरह किया जाता है, और मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने की वजह से आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।